नमस्कार प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से आपको पता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट है चली गई है और सुप्रीम कोर्ट से सरकार स्टे लेना चाहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अगर स्टे मिल जाता है तो ये बाकी की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। स्टे मिलने का अर्थ ये है, कतई नहीं है कि जॉब है सेफ है, हो जाएगी। हो सकता है बाद में 2 या 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट कह दे हाई कोर्ट बिल्कुल है सही था, अब तो कोई फैसला प्रॉपर रूप से आए ना तो बात बन सकती है। और HSSC सुप्रीम कोर्ट चली गई है। आज कई बच्चे कह रहे हैं सर आज हियरिंग हुई, उसका क्या? आज कोई हियरिंग नहीं है, हियरिंग की शुरुआत होगी मानकर चलो लगभग है ना 24 जून के पास हियरिंग की शुरुआत हो सकती है। इन्होंने कुछ डाला है, आज भी कई बच्चे कह रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट का, अगर सरकार है ना जल्दी जल्दी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है। और मैं चाहता हूं अगर भर्ती पर स्टे हो जाए ना और बाद में 2-3 महीने बाद सरकार बदले या 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को सही पहुंचा दे, फिर उससे अच्छा है अभी है ना जो फाइनल फैसला आ जाए। अभी इसमें कहा गया है कि जो इन 20 ग्रुपों का जो लगभग 10,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं ना उनके लिए तो ये कहा जा रहा है कि वो फैसले अप्रभावित रहेंगे, वो जॉब से नहीं हटेंगे। और हम चाहते भी है कि वो बच्चे जॉब से ना हटे क्योंकि देखकर जॉब छीनना बहुत मुश्किल है। और अब है ना सिंपल, आज मेष सिंह होगी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगा लगभग 24 जून के पास। इन्होंने कहा है ग्रुप सी के 24 ग्रुप का रिजल्ट भी है प्रभावित, हाई कोर्ट ने हमारी दलील ही नहीं सुनी। दलील इनके पास, हाई कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं था और उस टाइम ऐसा वकील चाहिए जो गागर में सागर बनने वाला हो, अपनी बात को समझा पाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सर चली गई है, बच्चे कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब HSSC खुद चली गई है, आप अपने हिसाब से देख, अब पैसे लगाने का कोई फायदा वैसे तो है नहीं, फिर भी आप अपने एडवोकेट से राय ले सकते हो। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं अगर जल्द अगर सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला नहीं आता ना तो हरियाणा में जो भर्तियां हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। अब आप देखो एक खबर, जैसे ये TGT वाले बच्चे, आज ग्रुप डी वाले बच्चे भी चले गए हैं। हरियाणा के लाखों युवाओं ने सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए खुद ही लड़ाई शुरू कर दी है। ग्रुप डी के 10,900 अभ्यर्थी सवेरा से अपील किए, ना विभाग मिले ना वेतन, सीटी क्वालिफाई किया जाए, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड किया था। और अब सबसे इंपोर्टेंट है, अब TGT उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे हैं। देखो इनका होता है, लेकिन ना सरकार है ना बिल्कुल भी अभी रोजगार की बात नहीं कर रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो 3 महीने बाद है ना ये जब वोट मांगने के लिए घर पर आएंगे ना तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द फैसला आए और हरियाणा में भर्तियों की राह खुल पाए। और अगर ये सरकार है ना अब ये जाते जाते ऐसा काम करेगी, भर्तियां निकालेगी, पूरी करेगी नहीं करेगी, जैसे हुड्डा सरकार में भी ये हुआ था, जाते जाते इतनी भर्ती निकाली, नई सरकार ने आते ही उनको कैंसिल कर दिया। तो ये करेगी तो सही, लेकिन अभी रोजगार पर, या तो रोजगार को वो मुद्दा ही नहीं मानती है। लेकिन जो भी है बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, TGT वाले बच्चे भी, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मतलब है जिसको प्रताड़ित ना किया गया हो। तो अभी तक के लिए यही अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार HSSC चली गई है। और हमारा यही है कि अब हिम्मत सिंह जी से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द है ना जितनी भी पेंडिंग भर्ती है, रिक्वेस्ट है, बच्चा मेंटली परेशान हो चुका है, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। टाइम मांगा गया है चेयरमैन साहब से मिलने का, कब मिलता है? 1 से 2 दिन में पूरी ट्राई की जा रही है, आगे कोई अपडेट होगी तो जरूर देंगे। मैं फिर भी आपसे कहूंगा 2 से 2.5 महीने, इतना टाइम आपने बिताया है ना 2 से 2.5 महीने और स्टडी कर लो मेरे कहने से, उसके बाद आपका जो दिल करे वो करना। मैं नहीं कहता प्रदीप सर से पढ़ो, मैं नहीं कहता दुरीना से पढ़ो, बस 2-2.5 महीने आप स्टडी से दूर मत होना, ये मेरी आपसे निजी रिक्वेस्ट है। यही अपडेट थी, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।